नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश पूर्वोत्तर के सितारे में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। जैसा कि आपको मालूम ही है, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं पूर्वोत्तर की किसी एक ऐसी शख्सियत से जिसने अपने काम, मेहनत और मशक्क़त के दम पर समाज में एक ख़ास मुकाम हासिल किया है और जो बन गए हैं रोल मॉडल अपने आसपास के लोगों के लिए, ख़ासकर युवा वर्ग के लिए। जी हाँ, पूर्वोत्तर के सितारे में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं भारत का 3 बार ओलंपिक्स में प्रतिनिधित्व कर चुकी आर्चरी चैंपियन, द गर्ल फ्रॉम मणिपुर, बॉम्बेला देवी। भारतीय खेल की दुनिया का एक अनूठा और नायाब सितारा है बॉम्बेला देवी। बहुत कम ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं हमारे देश में जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 3 बार ओलंपिक्स में देश को रिप्रेजेंट किया है। ग्रेट चैंपियन, 3 बार तो ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया है इंडिया को, और नेशनल्स कितनी बार, कितने मेडल्स, कितने टूर्नामेंट्स। तो ये तीरंदाजी की दुनिया में कैसे आप ने प्रवेश किया, शुरुआत कैसे हुई इस सफ़र की? मेरा मम्मी आर्चरी का ही कोच है, तो मेरा मम्मी ने मुझे लेके आया। आर्चरी के बारे में मुझे पहले शुरुआत में कुछ मालूम नहीं था, तो एक दिन मेरा मम्मी ही मुझे लेके गया, जो वहाँ मणिपुर में हम लोग का वहाँ पे एक बेम्बू बो बनाता है वहाँ पे, तो उसने दिखाने के लिए एक दिन लेके गया था। तो मुझे देख के ऐसे, मतलब पता नहीं था कि आर्चरी कैसे होता है, तो उसने ही लेके गया तो दिखाया, ऐसे ऐसे बो एरो सब दिखाया। उसके बाद मुझे लगा कि मैं भी थोड़ा एक बार ट्राई करते हैं। फिर जब शुरुआत में खींचा तो मेरे को भी खुद खींचना नहीं आया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के लिए रोज़ मैं एवरीडे वहाँ पे ये करने के लिए जाती थी, तो ऐसे किया। फिर मम्मी ही ज़्यादा ये किया था क्योंकि सपोर्ट किया था, और मेरा पापा भी है जो हैंडबॉल में है, हैंडबॉल कोच है अपना स्टेट में ही, तो पूरा फैमिली स्पोर्ट्स में है। तो मेरे पापा के साथ ही मैं टीवी देखा करता था, स्पोर्ट्स देखा करता था, तो मुझे स्पोर्ट्स पसंद था, लेकिन आर्चरी क्या है मुझे मालूम नहीं था। बॉम्बेला देवी आज एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं, इसका श्रेय काफी कुछ उनकी माँ जामनी देवी को जाता है। अपने समय की अच्छी तीरंदाज रह चुकी जामनी देवी ने अपनी बेटी को तीर कमान की दुनिया से पहले परिचित कराया और फिर इस विधा में उन्हें पारंगत बनाया। आज भी इम्फाल में जामिनी देवी युवा तीरंदाजों को प्रशिक्षण देती हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे कामयाब होया जाता है इसके नुस्खे बताती हैं। नहीं पकड़ता इसलिए मैं फाइबर के बो पकड़ना चाहिए, इसलिए मैंने शादी के बाद मेरे बेटी के बेटी में मैं सोचा था वो एक बार मैं फाइबर वो इसको पकड़ कर आर्चरी खेलना सिखाना चाहिए मैं, तो इसलिए मैंने आर्चरी खेला है बो को। वो और इसके बहन गीतांजलि दोनों साथ खेला है। माँ हम दोनों ने बच्चा लोग को बोलता है, अच्छा ठीक है तुम लोग भी दीदी के जैसे मारेंगे जरूर, प्रैक्टिस करते रहना ऐसे करके बोलते हैं। बच्चा लोग को बोलते रहता है बॉम्बेला दीदी ऐसे ऐसे मारता है, वो उसके जैसा मारना है ऐसा करके बच्चा लोग सभी बोलते हैं। तो नेशनल का सिलेक्शन मिलते ही वो हम लोग का, मतलब कोचिंग के टाइम में उसके साथ मिलता है, तो वो मुझे सिखाता है ऐसे ऐसे करके मारो, मतलब जो भी फॉर्म है वो मुझे सिखाता रहता है। मेरे मम्मी बहुत मेरे को बहुत सपोर्ट किया जब पहले जब नया नया सब शुरू किया था तब, क्योंकि रोज़ जाके मुझे सिर्फ बो ड्रॉ करवाता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि एक ही बार मैं ऐसे ड्रॉ करवाता था तो अच्छा नहीं लगता था। फिर मेरे मम्मी मुझे बोलती रहते था कि जाओ करो करो करके, लेकिन मेरा मम्मी ही ज़्यादा मुझे ऐसे कर करके मुझे भेजती थी जहाँ वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए। मेरे मम्मी बहुत सपोर्ट किया, और इक्विपमेंट के लिए भी, क्योंकि तब 95 में तो इतना इक्विपमेंट मिलता नहीं था, तो मेरा मम्मी बहुत इधर उधर से इक्विपमेंट के लिए बात करके
और ये सब, क्योंकि हम लोग के एरो सब मिलता नहीं था तो बहुत टूट जाता था, तो टूट इनके बाद तो मिलता नहीं था, तो मेरा मम्मी ने बहुत इधर उधर से स्टेट से भी हम लोग को ऐसे करके किया। एक बात और बताइए कि अभी तो चलिए आपको इतना अच्छा लगता है कि मैं इतना मेहनत की तो आज ये बन गई, लेकिन जब छोटी होंगी, बच्ची होंगी 10-11 साल की, सब बच्चे तो अपने स्कूल जाते होंगे, फिर उसके बाद खेलने कूदने चले जाते होंगे, आपका रोज़ प्रैक्टिस, रोज़ हार्डवर्क, तब लगता होगा कि ये मैं कहाँ फंस गई। ऐसे लगता तो था, लेकिन जब बच्चा का टाइम में बहुत जब वो मिल गया तब तो और मेरे को और जाने का मन किया था, तो मैं रोज़ जाती थी, सुबह शाम जाती थी, और जब दोस्त लोग के साथ खेलने का टाइम था तभी ज़्यादा खेल नहीं पाती थी, लेकिन आर्चरी करने के बाद जब ऐसे एक बार करने के बाद तो वहीं पे मन चला गया, तो वही सब वही है। जब एक बार तीर कमान हाथ में ले लिया तो अपने द्वारा चुने गए खेल में सर्वश्रेष्ठ कैसे बने, एक्सेल कैसे करें, इसके लिए बॉम्बेला देवी ने कड़ी मेहनत शुरू कर दी और उनकी मेहनत रंग भी लाई। बॉम्बेला को हमने स्टार्टिंग से मैंने देखा है, उसको सब जूनियर से वो जो उसकी स्पिरिट है लड़ने की, कंपटीशन लड़ने की उसकी जो स्पिरिट है, जो स्टार्टिंग से उसको मैं सब जूनियर से देखता आ रहा हूँ, सब जूनियर में भी देखा, जूनियर में भी देखा, सीनियर में भी देखा, वो कंटिन्यू हर टूर्नामेंट में जितने भी सिलेक्शन ट्रायल्स होते हैं सिलेक्शन में लड़ने का जो उसकी स्पिरिट है, वो गिव अप जो उसका ये है वो कभी भी वो प्रेफर नहीं करती, वो हमेशा वो चाहती है कि मैं नंबर वन पे रहूं। हालांकि उसका टूर्नामेंट हमेशा ही जो इवेंट होता है दीपिका से ही होता है नॉर्मली, और कई बार उसको हार का सामना करना पड़ता है, बट उसके बावजूद भी वो जितने भी टूर्नामेंट्स वो खेली है और खेलती है आगे भी, यहाँ पर भी खेली है, अभी हाफी हवा थी यहाँ पर सीनियर नेशनल में मैं देख रहा था, तो उसके बावजूद भी वो टॉप 3-4 पे उसने जगह बना ली, तो ये उसको दर्शाता है कि वो उसका जो लड़ने की जो उसकी क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन लक्ष्य जितना मुश्किल होता जाता है, बॉम्बेला देवी जैसे चैंपियन खिलाड़ियों की कामयाब होने की जिद भी जैसे उसी अनुपात में और बढ़ जाती है। अपनी मेहनत और ट्रेनिंग भी चुनौतियों को देखते हुए बॉम्बेला देवी ने अब और बढ़ा दी है। जैसे हम लोग अभी थोड़ा योगा करते हैं और मेंटल के थोड़ा ट्रेनिंग करता है, अभी हम लोग इंडियन टीम में है तो अभी हम लोग के साथ एक मेंटल ट्रेनर भी रहता है, तो वो लोग थोड़ा हम लोग को क्या क्या करना है वो हम लोग को बताता है, तो हम लोग भी थोड़ा उसका ये बताते हैं जो वही सब हम लोग थोड़ा थोड़ा करते हैं। फिर हम लोग का रहता है सुबह फिजिकल के लिए, मतलब 6:30 ऐसे हम लोग थोड़ा सा फिजिकल करते हैं, ज़्यादा नहीं करते, फिर 8:30 से हम लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं जब 12 बजे तक, फिर उसके बाद थोड़ा हम लोग बीच में ब्रेक लेते हैं, फिर लंच वंच करके उसके बाद फिर शाम को 3 बजे से 6:00 तक, फिर 6:00 तक करते हैं, नहीं तो 6:00 नहीं करने से 5:30 तक करके हम लोग जिम विम कुछ जो फिजिकल करना चाहते हैं तो ऐसे करते हैं। शुरुआत में तो ऐसे कुछ मालूम नहीं था कि मेंटल का भी ज़रूरत है ये सब, तो ऐसे फिर आर्चरी करते 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 फिर पता चला कि मेंटल का भी बहुत ज़रूरी होता है, तो अपने आप थोड़ा क्या बोलेंगे, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने से ही होता है, क्योंकि कोई कोई है जो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो मैं तो उतना जब शुरुआत में उतना मेंटल का उतना ये नहीं किया, ऐसे करते गया अपने आप ही ये हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया इसलिए। तो 95 में एज अ 10-year-old आपने शुरू किया, तो फर्स्ट बिग मोमेंट क्या था? जब शुरुआत में मैं खेला था तब 95 में शुरू किया, फिर 97 में मुझे एक इंटर स्कूल खेलने के लिए गया था शिलोंग में, तब सीनियर टीम में मेरे को 4 मेंबर लेके गया था, तब इंडियन बो नहीं था, जो अभी हम लोग चला रहे हैं वही बो था, लेकिन अच्छा नहीं था उतना बो जो था तब था, तो मुझे 4 मेंबर में लेके गया था, तो लेकिन मैं टीम में नहीं खेला था, लेकिन 3 जन वो सीनियर प्लेयर तीनों खेला था, तो वही लोग मेडल लिया, सेकेंड हुआ था टीम में, तो हम चारों को ही मेडल मिला था, तब मुझे मैं बिना खेल के मुझे मेडल मिला था तो मुझे बहुत खुशी मिला था, तो उसके बाद तो और मन में और खेलने का मन ये हो गया था, तो बहुत वही है जो मेरा मेन है, जो वही पे मेरे को मेडल मिला था वही सबसे मेन है वही। तो फर्स्ट बिग मोमेंट इंटर स्कूल चैम्पियनशिप में बिना खेले मेडल मिलना रहा। लेकिन फिर तो खेल के मेडल्स जीतने की आपने जैसे एक झड़ी लगा दी, एक सीरीज बनाई, तो नेशनल में इंटरनेशनल में फर्स्ट बिग मैच, बिग टूर्नामेंट
कौन सा याद आता है आपको? 2007 था जो मैं ईरान में एक कंपटीशन खेलने के लिए गया था, जब इंडियन टीम में आया था, तब हम लोग का एशिया कप कुछ कंपटीशन था, तो उसमें इंडिविजुअल में मैं गोल्ड जीता था। सो फर्स्ट ओलंपिक्स में जब सिलेक्शन की खबर मिली तो कैसा लगा, फिर कैसे तैयारी शुरू की, फिर वहाँ जाके क्या हुआ? तब मैं कोरिया में ट्रेनिंग में गई थी, तब 2008 में तब कोरिया में ट्रेनिंग में गई थी, तो यहाँ पे सिलेक्शन ट्रायल चल रहा था, क्योंकि तब मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक था, तो क्वालिफाई भी हम ही लोग करके आया था, मैं और नागालैंड का जो चक्रवोलू सुरु है और डोला बनर्जी, हम तीनों क्वालिफाई करके आया था। तो मैं तो कोरिया में ट्रेनिंग में था, तो हम मुझे कन्फर्म कर दिया था क्योंकि सिलेक्शन में उतरने नहीं दिया था। तो फिर मैं जिस दिन इंडिया पहुँची तो कलकत्ता में ट्रायल चल रहा था, उसी दिन वो लोग का ट्रायल चल रहा था जो दो टू मेंबर के लिए, तो एक जूनियर लड़की आई थी प्रणीता करके, जो एपी से है, और डोला बनर्जी, दोनों आया था। तो तब क्योंकि सिलेक्शन में उतरा नहीं, ऐसे ही मुझे सेलेक्ट हो गया था, तो मुझे बहुत खुशी मिला था, क्योंकि ओलंपिक जो, क्योंकि आर्चरी में आने के बाद मुझे पता चला कि ओलंपिक क्या होता है, एशियन गेम क्या होता है, ये कॉमनवेल्थ, ये सब कुछ उसी के पता चला, तो ये इतना बड़ा गेम है, सभी लोग हम लोग को बताते थे, तो उसका ट्रायल में बिना उतर के मुझे सिलेक्शन मिलना तो वो बहुत बड़ी बात था, तो मुझे बहुत खुशी मिला था। उसके बाद फिर कंपटीशन खेलने के लिए वहाँ पे गया, तो जो हम लोग का सीनियर प्लेयर थी, जो डोला बनर्जी, उसने बताया था कि ऐसे बड़ा गेम में ऐसे ऐसे होता है, तो हम वहाँ पे पहुँच के देखा तो बहुत एक्साइटेड भी हुआ और थोड़ा डर भी लगा। फिर उसके बाद कंपटीशन ग्राउंड में जाके भी, क्योंकि पूरा यहाँ पे तो आदमी बहुत कम देखते हैं, वहाँ पे तो पूरा आदमी था वहाँ पे, तो थोड़ा नर्वस भी था, फिर भी पहला था तो थोड़ा डर भी लग रहा था, तो ऐसे खेल के फिर थोड़ा अच्छा, उतना अच्छा नहीं किया फिर भी। बट बीजिंग ओलंपिक्स में चाहे परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ओलंपिक जाना ही एक बड़ी बात है, फिर उसका एक्सपीरियंस जो 2012 एंड 2016 में काम आया होगा, सो बिग लर्निंग क्या रही फर्स्ट ओलंपिक से? वहाँ पे जैसे कंपटीशन खेलना और अलग, जैसे हम लोग इंटरनेशनल कंपटीशन बहुत बार खेल चुका है, तो वो वहाँ का और वहाँ का थोड़ा सा अलग है मेरे हिसाब से, कोई कोई होता होगा कि सेम लगता होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इतना बड़ा गेम में जाके ऐसे तीर चलाना और ऐसे छोटा मोटा कंपटीशन में खेलना, ये बहुत बड़ी बात है, और वहाँ पे जाके हम लोग को खेलना, मतलब थोड़ा सा डर भी लगता है कि क्या होगा कंपटीशन में, आगे जाके क्या होगा, वो सब सोचना पड़ता है वहाँ पे। पर जब पहली बार गया था तब उतना नहीं सोचता था, सिर्फ सेकेंड बार जब गया था तब थोड़ा सोचा, लेकिन बहुत कोशिश किया, लेकिन उसमें भी कुछ हुआ नहीं। 2016 ओलंपिक्स एक बिग टिकट इवेंट हुआ आपकी लाइफ में, यू नो, प्रोफेशनली इंडियन टीम भी क्वार्टर्स तक पहुँची, आप भी क्वार्टर फाइनल्स तक पहुँची, तो वहाँ पे कैसा, क्या अलग कर रही थी आपकी क्वार्टर फाइनल्स तक गई, और फिर क्या नहीं कर पाई कि क्वार्टर्स के आगे नहीं जा पाए? वहाँ पे हम लोग का टीम बहुत अच्छा कर रही थी, क्योंकि उससे पहले भी इंटरनेशनल में हम लोग बहुत मेडल ले चुका था, कि सबको भरोसा था कि हम लोग मेडल लेंगे टीम में और इंडिविजुअल में भी अच्छा करेंगे, तो हम लोग का जब पहले तो ये था टीम मैच था, तो हम लोग का टीम मैच हुआ था, पहला मैच तो जीत गया, सेकेंड मैच था हम लोग का रसिया के साथ, क्वार्टर फाइनल था, उसमें हम लोग का मतलब स्कोर उतना ख़राब भी नहीं था, लेकिन ऐसे आसपास में ही हम दोनों का लोग का रसिया लोग के साथ मैच थोड़ा सा टाई फाई में चल रहा था, फिर लास्ट ओवर में टाई था, टाई में हम लोग का कितना 8-8 8-8 9 कुछ मारे थे, वो लोग मारे थे 10-8 7 ऐसे कुछ मारा था, तो वो लोग हम लोग से 2 पॉइंट से जीत गया था, तो हम लोग को बहुत ख़राब लगा था, लेकिन गेम है तो नेक्स्ट टाइम हम लोग सोच के फिर दुख नहीं हुआ। उसके बाद इंडिविजुअल मैच में, फिर इसमें भी हम मैच 2 बार मैच जीता, फिर उसके बाद फिर लास्ट मैच जो था वो मेक्सिको का एक लड़की था, वो भी अच्छा मारती है, तो उसके साथ मैच था, लेकिन अच्छा ही मार रहा था, लास्ट में मेरा भी एक तीर लगा नहीं, तो इसलिए। आप बताइए कि 3 टाइम्स ओलंपिक्स खेलना और अब 4th की तैयारी में लग जुट जाना, कोई और इंडियन आर्चर 3 टाइम्स खेला है ओलंपिक्स में? अभी तक तो कोई नहीं खेला, अभी मैं ही पहली बार हूँ, तो अभी अभी देखते हैं, अभी होगा आगे जाके, अभी जूनियर में भी बहुत अच्छा कर रही है, और दीपिका कुमारी जो है वो भी अच्छा कर रही है,
सीनियर में भी एक दो है जो बहुत अच्छा कर रही है, तो जो अभी वो लोग मेंटेन कर रहा है वैसे ही फॉर्म में जाएगा तो आराम से ओलंपिक जा सकते हैं। तो बॉम्बेला अभी आप 95 से खेल रहे हो, 22 साल तो खेलते ही हो गए आपको, इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेल लिए, लेकिन फिर भी टारगेट 2020 है नेक्स्ट ओलंपिक्स, तो कैसे उसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि भाई ओलंपिक्स में भी अच्छा करें और यहाँ से भी सिलेक्ट हो जाएं, यहाँ के बाकी जो यंग क्राउड आ रहा है उससे भी, तो इट मस्ट बी गेटिंग मोर टफ। हाँ, वो लोग से भी फाइट करना पड़ेगा क्योंकि अभी जूनियर सब जूनियर में बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है, तो वो लोग से भी फाइट करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा है कि आगे के लिए बहुत अच्छा है, जूनियर सब जूनियर बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है, तो अभी और कंपटीशन और टफ हो गया है, तो फिर अभी 2020 वाला फिर ये ओलंपिक के लिए थोड़ा टफ हो जाएगा सिलेक्शन ट्रायल ये सब में, तो देखते हैं अभी पूरा कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे करने के लिए। आप एक इतनी कामयाब स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं और आर्चर हैं, तो ये इस कॉम्बिनेशन ने आपकी लाइफ को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया, मतलब हाउ डू यू थिंक यू हैव बिकम बेटर और मे बी यू कुड हैव बीन बेटर इफ़ यू वर नॉट डूइंग सच अ हार्ड फॉलोइंग सच अ हार्ड डिसिप्लिन लाइफ। नहीं, आर्चरी में आने के बाद तो बहुत अच्छा, मतलब मेरा, क्योंकि ये गेम में नहीं आने से क्या होता वो तो पता नहीं, लेकिन ये गेम में आने के बाद मेरा लाइफ तो बहुत बदल गया है, बहुत अच्छा हो गया है, और क्या बोलेंगे कि सब कुछ जितना देखिए कहीं पे भी जाने से पता चल जाता है कि बॉम्बेला देवी है, क्योंकि इसी के वजह से ही मुझे पता चल रहा है कि मैं बॉम्बेला देवी हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ही बिना आर्चरी में नहीं आता तो मुझे पहचानता नहीं कोई भी, तो ऐसे अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कह रही हैं बॉम्बेला देवी, आर्चरी ने उन्हें वह सब कुछ दिया है जो किसी भी एथलीट की चाहत हो सकती है, ख्वाहिश हो सकती है, नेम फेम यश और ख्याति। खेलों की दुनिया में आज उनके नाम का डंका बजता है, उनकी मेहनत इच्छा शक्ति और तीरंदाजी के प्रति समर्पण भाव की चर्चा होती है, बीसियों मेडल्स पदक पुरस्कार उन्हें मिले हैं, और साथ ही मिला है लोगों का असीम प्यार और साथ ही खिलाड़ियों का जबरदस्त सम्मान। बॉम्बेला देवी के बारे में मैं अकेली शायद कम पड़ जाऊं बताने के लिए, जितनी भी आर्चर्स हैं, इवन गर्ल्स नहीं बॉयज़ भी, बहुत सारे बॉयज़ भी ऐसे होंगे जिनके लिए बॉम्बेला देवी उनकी इंस्पिरेशन है, आइडियल गेम आर्चर हैं, तो हम लोग बस यही चाहते हैं कि हम लोगों की शूटिंग एटलीस्ट उनके जैसी हो जाए, हम लोग एटलीस्ट उनके लेवल पर अभी आ जाएं, आगे जाकर जब हमारा टाइम आए तो हम उनसे बेटर तब हो सकते हैं, बट अभी के लिए हम लोग जानते हैं कि वो हमारी इंस्पिरेशन है, हमें उनके कदमों पर चलना है, तो हम उनके साथ चलेंगे थोड़ा तो शायद कुछ ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। तो ये बताइए कि आर्चरी के अलावा और किन चीज़ों में दिलचस्पी है, जब आपके पास वैसे तो टाइम फ्री रहता ही नहीं है, लेकिन जब होता है तो क्या करना पसंद करती है? जैसे छुट्टी टाइम में हम लोग कभी दोस्त लोग सब मिलके मूवी देखने जाते हैं, नहीं तो थोड़ा घूमने इधर उधर कहीं जाते हैं, फिर नहीं तो हम लोग ऐसे साथ में एक साथ ये करके खाना बनाना, मुझे खाना बनाना थोड़ा पसंद है तो खाना बनाना ये सब ये करते हैं, तो वही सब में टाइम चला जाता है। क्या बनाना पसंद करती हैं और क्या खाना पसंद करती हैं और मूवीज़ कौन से फेवरेट स्टार्स हैं आपके? फेवरेट तो मेरा शाहिद कपूर है हीरो में, तो हीरोइन में ऐसे कुछ नहीं, फेवरेट तो कुछ ये नहीं है, सबको देखते हैं, और खाना तो अपना ही मणिपुर का खाना बनाना अच्छा लगता है, तो अपना जो हम लोग का दोस्त लोग है जैसे मणिपुर का नहीं है, सब अलग अलग स्टेट का है, सबको भी मणिपुर का खाना सब पसंद है, तो मैं मणिपुर का खाना बनाता है तो सब खाते हैं एक साथ मिल के, तो यही सब हम लोग का टाइम पास इसी से हो जाता है। तो मणिपुर एक तरह की कोई स्पोर्टिंग चैम्पियन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री लगती है मुझे कई बार, एक से एक बॉक्सर्स, मैरी कॉम, सरिता देवी, उधर कोई पोलो प्लेयर, कोई आर्चर आप जैसी चैम्पियन, तो अलग अलग खेलों में, तो ऐसी क्या खास बात है वहाँ की मिट्टी में या ऐसा क्या है वहाँ के कल्चर में? ऐसे कल्चर में क्योंकि जब हम लोग, मेरे को भी उतना पता नहीं था क्योंकि जब मैं आया आर्चरी में, फिर उसके बाद पता चला क्योंकि इतना मणिपुर में बहुत स्पोर्ट्स का बहुत ये है, बहुत पसंद करता है सभी लोग,
तो जैसे फुटबॉल हो गया, फुटबॉल में भी बहुत प्लेयर लोग हैं, बॉक्सिंग हो गया, बॉक्सिंग में भी तो अभी मेरी कॉम और सरिता ये लोग का एकेडमी भी हो गया। अभी तो हम लोग को वहाँ पे जो स्टेट का एकेडमी भी है वहाँ पे आर्चरी भी है। आर्चरी का थोड़ा सा अभी थोड़ा कम है, लेकिन मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पे आर्चरी को और बढ़ाने के लिए। तो स्पोर्ट्स में क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मतलब ब्लड पे कुछ हो है स्पोर्ट्स के लिए, तो शायद इसलिए ज़्यादा है वहाँ पे मणिपुर में ज़्यादा ये है एक्साइट, ये स्पोर्ट्स में ज़्यादा सभी लोग का जाने का और खेलने का ये सब क्या बोलेंगे एक्साइटेड इसके लिए बहुत ज़्यादा ये है। और क्या मिशन है और क्या करना चाहती हैं आप लाइफ अभी? और तो देखिए अभी मैं आर्चरी के लिए तो मैं क्योंकि ज़्यादातर मैं आर्चरी के बारे में ही सोचूंगी क्योंकि मैं आर्चरी में हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मणिपुर में एक एकेडमी करके वहाँ पे मणिपुर का जो जितना प्लेयर लोग है थोड़ा क्योंकि इक्विपमेंट के लिए वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, हम लोग का आर्चरी का इक्विपमेंट यहाँ पे इंडिया में मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैं सोच करने का कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे मणिपुर में भी एक एकेडमी आर्चरी एकेडमी करके वहाँ पे आर्चरी के लिए भी थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, तो वहाँ पे पूरा फैसिलिटी मिले, इक्विपमेंट हो गया जो भी जितना आर्चरी में ज़रूरत है सब कुछ फैसिलिटी मिले, तो यही है मेरा माइंड में आर्चरी के बारे में। हर जगह पे उतना आर्चरी अभी थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, उतना नहीं पता चल रहा है हम लोग को नॉर्थ ईस्ट में भी, क्योंकि मणिपुर में हम लोग खेलते हैं बोल के थोड़ा पता है, जो नॉर्थ ईस्ट का साइड में है जितना स्टेट है वहाँ पे उतना, क्योंकि थोड़ा एक दो जगह पे स्टेट में आर्चरी है लेकिन पूरा नॉर्थ ईस्ट साइड में इतना आर्चरी नहीं है, तो पूरा इम्प्रूव नहीं है। और जैसे वहाँ नॉर्थ में भी बहुत अभी अभी बहुत सारा लोग आ रहा है, लेकिन और बढ़ाने के लिए मुझे लगता है आर्चरी के लिए भी जैसे अभी फुटबॉल में भी चल रहा है लीग जैसे चल रहा है, और रेसलिंग में भी चल रहा है, बैडमिंटन में भी चल रहा है, वैसे हम लोग का भी आर्चरी के लिए एक लीग विक होगा तभी पूरा हम लोग का इंडिया में सब पता चलेगा कि आर्चरी ऐसे होता है ऐसे गेम होता है। तो और भी जो प्लेयर है और भी खेलने का जो प्लेयर लोग आने का मन है वो सब आ सकता है उसमें, तो ऐसे होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको कोई एक बात कहनी हो नॉर्थ ईस्ट के और इंडिया के बच्चों को यंगस्टर्स को तो क्या कहेंगी, मतलब आपका क्या उनको एक मंत्र होगा? मैं यही कहूँगी कि जो भी बच्चा लोग अभी जो भी जितना फैमिली लोग है जो बच्चा अभी करना चाहता है वही करने दीजिए, स्पोर्ट्स नहीं तो स्पोर्ट्स नहीं है तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा अच्छा है, सब जो अपना मन में है वही करने दीजिए और वो लोग को इंक्रेस कीजिए वही है और सपोर्ट कीजिए अच्छा से। तो बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके बोमेला देवी, और मालूम पड़ा हमें भी कि स्पोर्टिंग चैंपियंस किस मिट्टी के बने होते हैं कैसे वो तैयारी करते हैं। तो आई टुगेदर विद मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अदर इंडियंस आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर मिशन 2020, और आपको वो मेडल भी मिले ज़रूर चौथी बार के अपने ओलंपिक प्रयास में, ये भी हमारी शुभकामनाएँ हैं। धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की पूर्वोत्तर का सितारा मशहूर आर्चर तीरंदाज बोमेला देवी। कैसी लगी आपको हमारी आज की पेशकश बताइएगा ज़रूर, और अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय और इसी चैनल पर फिर मिलता हूँ आपसे पूर्वोत्तर के एक नए सितारे के साथ। तब तक के लिए मुझे संजीव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।